बिल्कुल, आज उसका एक मतलब गाना रिकॉर्ड हो रहा है। फिल्म का नाम है प्रेम युद्ध, जिसके डायरेक्टर हैं मोहम्मद हरीफ जी, प्रोड्यूसर हैं राजीव जी। और ये फिल्म रांची में शूट हो रही है, झारखंड में, एक बेहतरीन लोकेशन पे। और इस फिल्म की कहानी बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, जो कि लोग बोलते हैं कि हर मतलब सब कोई अपनी फिल्मों को बोलते हैं यूनिक है, डिफरेंट है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये तो जब रिलीज़ होगी तब आप देखिएगा, खुद डिसाइड करिएगा कि ये फिल्म क्यों यूनिक है। और मैं पर्सनली अभी तक ऐसी फिल्म नहीं किया हूँ जो एक नेचुरल फिल्म जिसको कहते हैं, एक आपके समाज में जो चीज़ें चलती रहती है, उसी से चीज़ों को उठा के बनाया गया है स्टोरी को, जो आपको खुद को कनेक्ट करेगी ये फिल्म। और गाने कहीं भी वल्गर नहीं है, सीन कहीं भी वल्गर नहीं है, बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म बन रही है ये। कास्टिंग वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग, जो आपको ऐसे भी कोई पुराने चेहरे नहीं देखने मिलेंगे, सब नए ही हैं। इस फिल्म में नीलू जी हैं और समल चतुर्वेदी जी, जो बहुत अच्छे किरदार में इस फिल्म में आ रहे हैं। इनको तो आप बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं। और हमारे डायरेक्टर मोहम्मद हबीब जी, जो कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। अब बाकी समर जी बताएंगे अपना किरदार के बारे में। जी समर जी, बताइए फिल्म के बारे में, प्रेम युद्ध। सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम। फिल्म के निर्देशक हैं हबीब सर, प्रोड्यूसर राजीव भैया हैं, और सबसे अच्छी बात है कि निर्माता ने ही आके कहा कि मुझे अश्लील फिल्म नहीं बनानी है। तो अब निर्देशक और कलाकारों की जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि उस कसौटी पे खरा उतरना है। एक पटकथा लिखी गई निर्देशक हबीब सर के द्वारा, जो उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आसपास की कुछ घटनाओं से प्रेरित है, और एक कहानी का ताना बाना ऐसा बुना गया है, जैसा गौरव जी ने कहा कि कहानी यूनिक है। अब ये शायद अभी हम लोग कुछ भी कहेंगे तो सब लोग तो यही बोलते कहते हैं कि हमारी कहानी यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। सब तो यही कहते हैं। हाँ, हम लोग खाना वही बना रहे हैं, लेकिन इस बार स्वाद आपको अलग मिलेगा, इसका दावा जरूर है। दाल चावल वही है, लेकिन दाल में तड़का इस बार कुछ अलग है। फिल्म का नाम है प्रेम युद्ध, म्यूजिक दे रहे हैं दामोदर भैया, अच्छे गाने हैं, सारी चीज़ें हैं। कलाकार जितने भी हैं सारे कहीं ना कहीं अपने आप में संपूर्ण कलाकार हैं, और सबके सामने एक कसौटी है कि उन्होंने अब तक जो किया है वो छोड़ के उनको एक नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं हबीब सर। तो मैं तो इनको वैसे ही बोल रहा हूँ कि सर आप हमारे कपिल देव हैं, आप ही कैप्टन ऑफ द शिप हैं, हम लोग तो टैलेंडर हैं, आप जैसा बताओगे उस ऑर्डर में बैटिंग करने चले जाएंगे। कहानी कहीं ना कहीं एक सार्थक कहानी है, कोई उसमें अनावश्यक चीज़ें नहीं है। गाना जहाँ होना चाहिए वहीं पे है, जहाँ पे हास्य होना चाहिए, जहाँ पे रोमांस होना चाहिए, और जहाँ पे कहीं ना कहीं जो कहा जाता है हमारी ज़िंदगी में 9 रस होते हैं, उन 9 रसों का संपूर्ण नरेटर एक डायरेक्टर बना है। तो एक कथाकार के रूप में एक निर्देशक की कहानी है जो शायद आप लोगों के दिलों को छू जाएगी, आंखों में नमी और चेहरे पे मुस्कुराहट दे जाएगी। ओवर टू हबीब सर। हबीब प्रोड्यूसर सर ने कहा कि अश्लील नहीं बननी चाहिए फिल्म। आए दिन हम इंटरव्यूज करते हैं, हर डायरेक्टर यही कहता है कि हमारी फिल्म अलग है, हमारी फिल्म अश्लील नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि गौरव जी ने जो कहा कि अश्लील नहीं है और डिफरेंट है, ठीक है, सब लोग बोलते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम एक अच्छी कहानी लेकर के आ रहे हैं, एक मसाला फिल्म है जिसमें सारे रस मिलेंगे, जैसे समर जी ने कहा कि उसमें सारे जिंदगी के सारे रस उसमें मिलेंगे, और जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं पे भी हाँ हम किसी की ज़िंदगी देख रहे हैं और कोई अपनी कहानी सुना रहा है, एक पटकथा जो डायरेक्टर बताते जा रहा है, और वो बहुत ही स्मूथली जाएगी और मज़ेदार होगी। आप रोते रोते हंस देंगे और हंसते हंसते रो देंगे। इसके ऐसे कई सीन हैं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। और गौरव जी का मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्यूरियोसिटी ऑडियंस को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक चीज़ कह दे रहा हूँ कि इसमें गौरव जी एक अलग रूप में नज़र आएंगे, मतलब 2 रूप होगा गौरव जी का। क्या 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 कहीं ना कहीं डबल रोल में होंगे गौरव जी? डबल रोल है बिल्कुल, ऐसा है, सोच मैं कह सकती हूँ। हाँ, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वो जो है अब तक डबल रोल का उसकी भी अपनी जिंदगी ऐसी होगी, लेकिन नहीं, इसमें यही चैलेंज है कि गौरव जी डबल रोल में किस रूप में आने वाले हैं। एक का नाम प्रेम होगा, एक का नाम युद्ध होगा। ऐसा नहीं है, एक प्रेम की प्रतिमा है ना, एक प्रेम की प्रतिमा है और एक युद्ध जो प्रेम के लिए युद्ध कर रहा है। सर उस गली में मत जाइए, आ जाइए वापस। हबीब जी खुद एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और अपने आप को साबित कर चुके हैं, तो किस तरह से ये सारे एक्टरों को बाहर निकालेंगे उनके एक्टिंग को, जो जितना जिसके अंदर है औकात
वो सारा निचोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये खतरनाक एक्टर हैं, मैंने इनका देखा तो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और बहुत ज़रूरत है ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे डायरेक्टरों की जो जानते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है, एक्टिंग क्या होता है, तो ऐसे डायरेक्टरों की ज़रूरत है, और बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। और ये नीलू जी हैं, सबसे पहले सारे दर्शकों को प्रणाम है नीलू शंकर सिंह की तरफ से। फिल्म तो बहुत ही अच्छी है, स्टोरी मैंने पढ़ी है और बहुत ही अच्छा है, और जो मेरा कैरेक्टर है वो मैं पूरा नहीं बताना चाहूँगी, अगर मैं अभी बता दूँगी तो फिल्म देखने का मज़ा ही नहीं रहेगा। सो एक छोटा सा बता सकती हूँ, पंजाबी गर्ल हूँ मैं इसमें, तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, जब ऑडियंस फिल्म देखेगी तब ऑडियंस खुद कहेगी कि कितना अच्छा कैरेक्टर है, मेरा ही नहीं सभी का, जैसे कि गौरव जी जो जैसे अभी बोल रहे थे, समर जी एक तरफ प्रेम अदन एक तरफ युद्ध, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है और मैं खूब मेहनत से काम करूंगी, अगर मुझे सर ने चांस दिया है तो मैं इस अपने एक्ट में एकदम खरी उतरना चाहूँगी और दिल से मेहनत करूँगी और अच्छे से करूँगी, दिल लगा के काम करूँगी। हाँ, बिहार की तो लड़की है ही फिल्म में, लेकिन बिहार के लोग ये कैरेक्टर बहुत मैं बहुत कम शब्दों में फिल्म में भी इनके कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया हूँ कि क्यों वो पंजाबी हैं। हम बिहार के लोग पंजाब में भी हैं, इस वजह से वहाँ हमारे लोग हैं, और उनसे कैसे एक बच्ची पैदा होती है और वो पंजाबन होकर के लौटती बिहार और अपने करेक्टर को ऐसे खुशनुमा माहौल पैदा करती उस सीन में कि आपको मज़ा आ जाएगा। और इतनी सारी बातें भोजपुरी बोलेगी नहीं, वो पंजाबी ही बोलती है लेकिन भोजपुरियों के बीच में, तो वो बड़ा मज़ेदार है और काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने में। और जो शुरू शुरू में कुरला उतरते थे तो वहाँ पंजाब महाराष्ट्र इकट्ठा तो एक चीज़ इतनी सारे इंटरव्यू में एक चीज़ छूट गया जो मुझे मेंशन बहुत ज़रूरी था करना, इसमें पूनम दुबे जी हैं जो अपने अब तक के किरदार से शायद मुझे लगता है कि चैलेंजिंग है वो कैरेक्टर कर रही हैं, क्योंकि उनका जिस तरह का इमेज फिल्मों में रहा है कि डिफरेंट फाइट करना ये करना, इसमें वो मतलब रोते धोते मिलेंगी, काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है और बहुत ही प्यारा रोल है। और हमारे लिए बहुत चैलेंज था कि मैं जब डिज़ाइनर पूर्णिमा जी से बात कर रहा था, यही था कि उनके कैरेक्टर को एकदम बदल देना, वो एकदम सिंपल घरेलू लड़की के कैरेक्टर में है, लेकिन आप देखते हैं दर्शकों की नज़र में हम कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाते हैं, तो ये चैलेंजिंग है और बहुत प्यारा करेक्टर कर रही हैं और काफ़ी अच्छा मुझे उनके साथ जब बातें हैं वो इस करेक्टर को लेकर के हुई, तो मुझे लगा कि हम कुछ अलग निकाल पाएंगे। 12 जनवरी को हम शूट शुरू कर रहे हैं और रांची झारखंड में बहुत ही प्यारा लोकेशन है, खूबसूरत शहर है और ग्रीन, तो हमें स्क्रीन में काफ़ी कुछ कलर देखने को मिलेगा, झारखंड है तो कई सारे शेड हैं वहाँ पे, बहुत प्यारा प्यारा लोकेशन है। और मेरी यही कोशिश है कि मैं जब भी लोकेशन में गया मैं वहाँ के लोकल प्रोडक्शन से एक ही बात कहता था, क्या यहाँ पे शूटिंग हुई है, तो कहते थे कि हाँ हुई है, तो मैं वो रिजेक्ट कर देता था, मैं बोलता था कि वहाँ लेके चलो जहाँ मुझे शूटिंग किसी ने नहीं की, उस लोकेशंस को हमको पर्दे पे लाना है, तो देखते हैं। छोड़ आए हम वो गलियां बहुत पहले छोड़ आए, कहाँ जबरदस्ती फिर, मतलब तो वो है अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद जो कर रहा हूँ वही करने दो ना, क्या जबरदस्ती बहुत टेंशन है उसमें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी, पता लग रहा है जो भी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा तो अच्छा है मैं जहाँ हूँ वहीं सेटल रहने दीजिए आप। इसमें फिल्म में वही लड़ाई है, प्रेम की ही तलाश है, अब वो तलाश प्रेम युद्ध एक में होती है या दो में होती है पता नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी तक तो सर क्या चल रहा है आज? आज तो बस रिकॉर्डिंग। क्या है रिकॉर्डिंग, कुछ बताएंगे इसके बारे में? मुझे पता पड़ा कि मैं आज जो गाने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है प्रेम युद्ध, जो मतलब नाम से ही प्रेम युद्ध है, बट बहुत अच्छी मूवी है, इसकी स्टोरी बहुत फैमिली वाली स्टोरी है और गाने भी जो मेरे हाथ में आए हैं जो मुझे गाना है बहुत अच्छा गाना है, और बाकी आगे आपको डायरेक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे। तो
गाना भी तो प्रेमी होगा अगर आपने प्रेम लिखा है। ऑब्वियसली एकदम प्रेम से भरा हुआ है और मतलब युद्ध ही है पूरा ये भी गाना भी, लेकिन प्रेम का। किस मूड का गाना है कुछ बता दीजिए। समथिंग रोमांटिक गाना और प्यार वाले गाने हैं, बहुत ही अच्छा रोमांटिक गाना है। दामोदर जी ऑलवेज जैसे करते हैं एज यूजुअल बहुत अच्छा म्यूजिक देते हैं और वैसे भी इसमें दिया है। अभी अभी मैं माइक पे जा रहा हूँ, मैं ट्यून अभी समझ रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रेम वाले गाने हैं। मैं गाने के बाद मैं आपको जैसे मैं अभी समझ रहा हूँ कि जो गाने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे हाथ में हैं। दोनों गालों पे लूंगा डबल केस, मतलब बहुत अच्छा। आगे आप पूरा गाना सुनेंगे तो ये बहुत फैमिलियर गाना है और एक बड़ा पर्सनल सा और बड़ा प्यारा सा गाना है। तो तू ही तो है नंबर वन पीस। हे दोनों गालों पे लूंगा डबल केस, तू ही तो है मेरा नम, तू ही तो नंबर वन है पीस, ऐसे कर गाना। थैंक यू सर। चल रहा है स्टूडियो में, स्टूडियो में तो रिकॉर्डिंग ही चलेगा आज। वेब एंड फ्रेम स्टूडियो जो अंधेरी में है, यहाँ पे आज रिकॉर्डिंग होना है, जिसके सिंगर मनोज मिश्रा जी आए हुए हैं। और ये फिल्म का नाम है प्रेम युद्ध, बहुत अच्छी फिल्म है। इसके डायरेक्टर हैं मोहम्मद हबीब जी, जिनकी मैं कई फिल्में कर चुका हूँ और दो फिल्में कर चुका हूँ, ये तीसरी फिल्म है उनकी। दो फिल्में शूटिंग हो चुकी है और ये प्रेम युद्ध जिसमें अभिनेता गौरव झा हैं और नीलू शंकर जी हैं और समर्थ चतुर्वेदी जी भी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। बहुत अच्छे गाने इसमें, इसमें गीतकार हैं फणिंद्र राव, राजेश मिश्रा जी, पवन पांडे, दो चार लोग गीतकार हैं और संजोग से मेरा ही म्यूजिक है। तो आज रिकॉर्डिंग रखा गया है यहाँ पे वेब एंड फ्रेम स्टूडियो में, जो मनोज मिश्रा जी गाएंगे। कितने गाने होंगे दामोदर जी और किस किस गाने इसमें हैं? 7 गाने हैं। 7 गाने में ज़्यादा डुएट गाना है और इसमें मतलब फैमिलियर ही गाना है, मतलब युद्ध प्रेम युद्ध जो नाम है। तो इसमें एक हीरो दो हीरोइन है और गाने सब अच्छे ही होंगे, अलग अलग टाइप के, कुछ रोमांटिक होंगे, कुछ सैड गाने एक हैं और लव सॉन्ग होंगे, छेड़छाड़ गाना होगा और संजोग से एक आइटम मुजरा टाइप का। जी जी नहीं, गौरव झा अपने असम के हाँ उड़ीसा के वो वहाँ के मतलब कहिए तो सुपरस्टार हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे भोजपुरी फिल्मों में, कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, यहाँ तक कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जी के साथ में भी एक फिल्म की थी उन्होंने, शायद फिल्म का नाम जिद्दी था, और हमारी एक फिल्म की लुटेरे, हाँ, और हमारी एक फिल्म की थी बाप रे बाप, जिसमें आंचल सोनी मेन लीड हीरोइन थी और ये हीरो थे। थोड़ा हॉरर फिल्म थी वो और उसका काफ़ी पब्लिसिटी हुआ और फिल्म काफ़ी अच्छी चली भी। भोजपुरी में हॉरर फिल्म वो पहली या दूसरी बनी थी बाप रे बाप को चल के, और बहुत अच्छी फिल्म बनी। और वैसे भी गौरव झा एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं देखने में भी, और उनके अंदर आर्ट भी है, बड़ा अनुभव है उनको आर्ट का। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म में अच्छा काम करें। और नीलू शंकर जी भी हैं, वो भी हमारे एक फिल्म बिहार एक्सप्रेस की हीरोइन थी, तो फिल्म अभी बंद पड़ी है, रुकी हुई है। तो हमारी शुभकामनाएं उन लोगों के लिए कि वो लोग अच्छा काम करें, आगे बढ़े, और दर्शकों से अनुरोध है कि ये फिल्म को देखें और उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छी बनेगी। गाने